स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रैंक ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द माइनर ऑफ अ मैट्रिसेस, कि व्हाट इज़ द माइनर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ़ ए बी अ मैट्रिक्स, अगर ए आपके पास कोई मैट्रिसेस है ऑफ द टाइप m into n टाइप्स की एक मैट्रिसेस है आपके पास है। ठीक है, यहाँ ए क्या है बच्चे, रो, नंबर ऑफ रोज, एंड m क्या है नंबर ऑफ रोज, एंड n क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिसेस ऑफ ए, जो मैट्रिस ए के जो सब मैट्रिसेस होंगी, ठीक है, इज कॉल्ड अ माइनर ऑफ अ मैट्रिस ए, उसको हम क्या कहेंगे, माइनर ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है बच्चा, हाँ जी बच्चे जी, और कंडीशन ये है कि ये जो मैट्रिसेस है ये क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिसेस हम किसे कहते हैं, जिसकी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 3x4 टाइप की एक मैट्रिसेस कंसीडर की। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया। हम कोई भी मैट्रिसेस ले सकते हैं, मतलब एलिमेंट्स या रो ले सकते हैं। हमने फर्स्ट वाली ले लिया कॉलम, सेकंड कॉलम ले लिया, थर्ड कॉलम ले लिया, और हमने 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिसेस बना दी, डिटर्मिनेंट बना दिया। ठीक है, सिमिलरली हमने यहाँ पे सेकंड में क्या कंसिडर किया, 4, 0, 1, ये वाली हमने जो कॉलम्स हैं वो ले लिए 3x3। ऐसे ही आप इसमें से जो सा मर्जी कॉलम उठा के 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस बना सकते हैं। ठीक है, और दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज कॉल्ड अ सब मैट्रिसेस ऑफ ए। ओके बच्चे, सिमिलरली आप 2 ऑर्डर की माइनर्स बना सकते हैं, लाइक डिटर्मिनेंट 1, 4, 2, 5, आपने 2x2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बनाया यहाँ पे। सिमिलरली आप इसी के आप नंबर्स उठा के मैट्रिसेस बनाएंगे और इस माइनर्स बनाएंगे। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, सब मैट्रिसेस हैं ए की। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिसेस, कि व्हाट इज़ रैंक ऑफ मैट्रिसेस। अ नॉन ज़ीरो मैट्रिस ए, कि अगर आपके पास कोई नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस है ए ऑफ द टाइप m into n, वो किस टाइप की है m into n, इज सैड टू हैव मैट्रिसेस इफ़ उसको आप मैट्रिसेस इफ़। ठीक है बच्चा, कि अगर आपके पास कोई नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस है m into n ऑर्डर की, और उसको आप मैट्रिसेस तब कहेंगे बच्चे इफ़ इट हैज़ एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर r, कि अगर उसके पास नॉन ज़ीरो माइनर हो ऑर्डर r का। ठीक है, एंड एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 1+r ऑफ a इफ़ एनी इज ज़ीरो। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अभी ध्यान से समझना। हाँ, अभी हम समझेंगे कि वो कह रहा है कि अगर आपके पास m into n टाइप की एक मैट्रिसेस है, यानी m into n ऑर्डर की एक मैट्रिसेस है, और अगर उसका माइनर जो है, जो नॉन ज़ीरो माइनर है वो क्या है, r है। ठीक है, उसका जो नॉन ज़ीरो माइनर है वो क्या है, r है। नॉन ज़ीरो माइनर का मतलब ये है कि अगर उसका डिटर्मिनेंट करने पर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आए, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ नॉन ज़ीरो माइनर। ठीक है, r है। तो अब वो कह रहा है कि एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 1+r, कि अगर उससे एक बड़ा माइनर लिया जाए ना, उससे बड़े ऑर्डर का अगर माइनर लें, तो वो क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तब हम उसको कहेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिसेस इज़ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन ज़ीरो, रैंक ऑफ मैट्रिसेस इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ अ मैट्रिसेस। इसको हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे, अभी आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, आई होप कि वैसे तो समझ में आ गया होगा आपके। द रैंक ऑफ मैट्रिसेस ए इज़ डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं बच्चे, रो ए, रैंक ऑफ ए। ठीक है, अब कुछ टिप्स हैं रैंक ऑफ मैट्रिसेस फाउंड आउट करने की। क्या कह रहा है वो, इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस ए आर ज़ीरो, कि अगर सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं मैट्रिस ए के, देन रैंक ऑफ मैट्रिसेस ए इक्वल्स टू ज़ीरो। तो रैंक ऑफ ए क्या होगी, इक्वल होगी ज़ीरो के। ठीक है, कब, अगर ए के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हों, ज़ीरो हों। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इफ़ ए इज़ नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस, अगर आपके पास ए कोई नॉन ज़ीरो मैट्रिस है, देन इट हैज़ एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एलिमेंट। अगर उसके पास एक भी नॉन ज़ीरो मैट्रिस एलिमेंट हो गया ना इन इट, एंड हैंस एटलीस्ट अ नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, अगर उसके पास एक भी कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो गया, तो मतलब उसके पास कोई एक नॉन ज़ीरो माइनर होगा। ठीक है,
दस रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या क्या कह रहा है हमको कि इफ़ आई इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिसेस, अगर आई आपके पास किस टाइप की मैट्रिसेस है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस है ऑफ ऑर्डर एन की, देन रो रैंक ऑफ आई क्या हो जाएगा, एन होगा। तो रैंक ऑफ आई क्या होएगा बच्चे, एन होगा। तो रैंक ऑफ आई क्या होगा, एन होगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द रैंक ऑफ द डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस क्या होती हैं, हम इसके बारे में एक अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन द डायगोनल। ये क्या कह रहा है कि रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस, जो डायगोनल मैट्रिसेस होती है और उसकी रैंक होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन द डायगोनल, कि डायगोनल के अंदर जितने नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं उसके इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, When A is non-zero square matrices, अगर आपके पास A कोई non-zero square matrices है of order n की, in case अगर determinant of A not equals to zero है तो rank of matrices क्या हो जाएगा, n। ठीक है, अब इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। CSIR net में छोटे छोटे टिप्स से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, अगर आपको ये लर्न है और आपको ध्यान में है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। वो क्या कह रहा है, द रैंक ऑफ द डायगोनल मैट्रिसेस इक्वल्स टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन द डायगोनल, कि डायगोनल्स में जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं ना उसके इक्वल होती है रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन से समझते हैं इसको। हाँ जी बच्चे जी, अब क्वेश्चन से समझते हैं। वो कह रहा है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 1 3 1 2 2 1 3 1 1। ठीक है, आपने ये मैट्रिसेस ली, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आप सबको डिटर्मिनेंट लेना तो आता ही होगा, लाइक 1 2 -1 माइनस, पहले इसको ले लिया फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा -2। ठीक है, इसको इससे, ये निगलेक्ट हो जाएगा, 3 into 1 1 into 1 1 प्लस 3 को लिया, ये निगलेक्ट, ये निगलेक्ट, 3 into 1 2 into 1 3 -2। तो 2 में से माइनस किया 1 को 1 आ जाएगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो 1 into 1 1 -2 2 4 3 1 3। तो यहाँ से 4 - 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चे जी, तो रैंक ऑफ ए जो है, क्योंकि हमारा जो 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए रैंक ऑफ जो ए होगा ना वो लेस देन 3 होगा। ठीक है, ऑल्सो वो कह रहा है अगर हम 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं लाइक 1 2 3। ठीक है, तो इसलिए अब हम 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे लाइक 1 2 3 2। ठीक है, तो जब हम इसको लेंगे 2 1 2 1 2 3 2 6 तो माइनस करेंगे तो -4 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दस वन माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज़ नॉन ज़ीरो, इसलिए हमारा जो 2 ऑर्डर का माइनर है वो नॉन ज़ीरो है, इसलिए हम क्या कह देंगे, जो रैंक ऑफ मैट्रिसेस ए है वो क्या हो गया, 2। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, ये हमने मैट्रिसेस ली, सिमिलरली हमने इसका 3 ऑर्डर लिया। अब वो कह रहा है सीन्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस 3 into 4। अब यहाँ पर जो मैट्रिसेस है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। ठीक है, देयरफॉर इट कांट हैव माइनर ऑफ ऑर्डर 4, इसलिए यहाँ पर 4 ऑर्डर का माइनर नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल मैट्रिसेस है। अब हमने क्या किया, हमने 3rd ऑर्डर का माइनर लिया। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो वो आया हमारे पास -2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दस द 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज़ नॉन ज़ीरो, इसलिए हम क्या कह देंगे, जो रैंक ऑफ ए है वो क्या है, 3। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा, आया होगा। थैंक यू सो मच।